मकर संक्रांति पावन पर्व निमित्ते श्री सोमनाथ महादेव मंदिर में अनोखू वातावरण जोवा मळ्युं हतुं। अहीं श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा सूर्यपूजा गौपूजा सहित धार्मिक कार्यक्रमों आयोजन करवामां आव्युं हतुं। प्रातः आरती बाद सोमनाथ ट्रस्ट जनरल मैनेजर विजय सिंह चावड़ाए सूर्यपूजन तेमज गौपूजन कर्युं हतुं। शास्त्रोक्त विधि विधान साथ मकर संक्रांति पुण्यकाल में विश्व कल्याण प्रार्थना साथ पूजन कर ट्रस्ट संचालित गौशाला में लाला गौ माता ने विधिवत पूजन कर भोग लगवा तो आ पूजन में देशभर जुदा जुदा राज्यों में भक्त ऑनलाइन मध्यम जोड़ाया था। देवादिदेव महादेव ने शुद्धभक जल दूध दही साकर सहित द्रव्यों में तल भेड़ी विशेष अभिषेक कर महत्वनुं छे के आजे आखा दिवस दरमियान महादेवना श्रृंगार अभिषेक अने पूजनमा विशेष रूपे सफेद तलनो उपयोग करवामां आव्यो हतो, जेना दर्शन करीने देश विदेशमांथी आवता श्रद्धाळुओ धन्य बन्या हता। और ये एक यूनिक प्रोग्राम है जिसमें हम पंचायतों का विकास के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी वो बनाएंगे, किस तरह से वित्तीय प्रबंधन करेंगे, किस तरह से बेहतर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेंगे की दिशा में इस प्रोग्राम के द्वारा उनके अनुभव का और आपस में साझा करने के साथ साथ हम ऐसे फ्रेमवर्क देने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि अमृत काल आने के लिए जो चल रहा है उसमें भारत को विकसित होने के लिए ग्राम का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। हमारी अर्थव्यवस्था और पॉपुलेशन जो है वो अभी भी ग्रामों पर ही आधारित है। अगर वो इन ग्रामों का विकास नहीं होगा तो उस अमृत काल का कोई अर्थ नहीं है। जब तक उस खाली शहर में विकास होगा और ग्रामीण इन सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे, तो इस उद्देश्य से हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक पायलट प्रोग्राम है जिसमें हम नेशन बिल्डिंग जो आई एम अहमदाबाद का एक कोर मैंडेट है उसको और आगे लेके बढ़ रहे हैं और जिला ब्लॉक और विलेज लेवल पे गवर्नेंस लोकल सेल्फ गवर्नेंस को सशक्त करने के लिए हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की पहल कर रहे हैं जिसमें हम चाहेंगे कि हर प्रकार के अधिकारी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो इन तीनों टीयर्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस के लिए जो बनाई गई हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस उनको मैनेजमेंट स्किल्स लीडरशिप स्किल्स उनको अलग प्रकार के जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल डिवाइड को कैसे ये किया जाए इसको इम्प्रूव किया जाए तो ये जो सशक्तिकरण है इसके लिए हमने ये प्रोग्राम की रचना की है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो ग्राम पंचायत पंचायत समिति या जिला स्तर पर काम कर रहे हैं और जो अधिकारीगण हैं वो साथ मिलकर कैसे और बेहतर इस देश की सेवा कर सकें इस दिशा में ये एक पहल है।